लास्ट डे को तो आप लोगों ने देखा था कि हम लोग मिलके पहाड़ तोड़ रहे थे और उसका काम आज कंप्लीट करेंगे। और आज मैं बनाने वाली हूँ आयरन इग्नोट को, फिर मैं बनाने वाली हूँ बकेट को, पानी का बाल्टी होती है ना, उसको कैसे बनाया जाता है उसको दिखाऊंगी, और पहाड़ से झरने को भी बनाऊंगी। तो होले टेस गेमर्स, कैसे हो आप सभी लोग? मैं अरिका आज दोबारा से एक बार फिर से खेल रही हूँ आप सभी लोगों का फेवरेट माइनक्राफ्ट। इतना तक तो आप लोगों ने देख ही लिया था कि फार्नेस पे अगर कोल ना हो तो आप लोग स्टिक का भी यूज़ कर सकते हो, उससे आप लोग फ्यूल को बना सकते हो। और उसके बाद मैंने देखो बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट किया और आज मुझे एक चेस प्लेट भी मिली है, ठीक है ना। और वो चेस प्लेट मुझे मिली थी एक स्केलेटन जैसी कोई आई थी उससे मुझे मिली थी, ये मतलब फ्री का है, ठीक है ना। तो अभी इसको मैं कैसे पहनूं, इसको बस आप लोग अपने पुतला पे दे देना ऐसे। देने के बाद बिल्कुल आप लोग के इधर पे देखो, ये मुंडी के नीचे जो बॉडी का जगह है उधर पे जैसे ही आप लोग देखो ये पहन लेगा। ऊपर पे देखो आर्मर थोड़ा सा, देखो लाइफ शेल्स भी इधर पे बढ़ चुकी है इसके कारण आ गई। तो ये बहुत काम की चीज है मुझे जो लग रही है अभी। तो अभी तो मुझे पता नहीं है कैसे बनती है कैसे नहीं। बाकी डॉली ने इधर पे बहुत अच्छी काम की है, तो इधर पे इसने दो दो बेड भी लगा दिया, उधर पे भी दो दो बेड लगा दिया। तो इधर पे फटाफट से अभी हम लोग सो जाएंगे और सोने के बाद अभी हम लोग सभी मिलकर सुबह सुबह आ जाते हैं। और आने के बाद आज हम लोग ये सारी जगह को बस कुछ ही देर और बाकी है, उसके बाद सारी जगह कंप्लीट हो जाएगी, पूरा जगह एकदम इन हो जाएगी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट काम भी करेंगे, ठीक है ना। तो स्टोन पिकल लेके अभी मैं आ चुकी हूँ इधर पे। एक फिर से एक भेड़िया दिखती, देखते हैं इससे क्या मिलती है। तो इससे हम लोग को मिली है ब्राउन वूल, ओके। तो अभी काफी रात हो चुकी थी और ऊपर में आने वाला सारे रास्ते हम लोग बंद कर दिए थे, तो ज़ॉम्बीज़ लोग भी आ नहीं पा रही थी। तो अभी हम लोग मिलके इधर पे बहुत सारे काम भी कर रहे थे और काम करते करते सुबह भी हो जाती है। और मैं देखती हूँ डॉली एकदम अपने मन से काम किए ही जा रही थी। तो मैंने सोचा था मजे किए जाए और वो देखो काम कर ही जा रही है। और उसका नीचे वाला ब्लॉक को मैं रुको एक सेकंड तोड़ देती हूँ। ओ भाई ये इधर पे गिर के पूरा स्ट्रेंच हो जाती है और मुझसे पूछते, और इधर पे देखो बनी भी देख रही है, भाई ये गिरा किधर से। तो ये बेचारी को समझ में ही नहीं आया ये गिरा कैसे, मुझे इतना ज्यादा हंसी आ रही थी ना। तो जो भी हो इधर पे हम लोग फिर से एक बार आ जाते हैं सब तोड़ने बोने के लिए और मजे तो होते रहते हैं ना। तो इधर पे फटाफट से इसको सारी जगह को फटाफट से तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद इधर पे रुको एक सेकंड, इधर पे भी तोड़ते हैं। और इधर से एक चीज को देखना है मुझे कि हम लोग इतना तक आ गए, देख रहे हो ना कितना ऊंचा पहाड़ था ना, उसको तोड़ तोड़ के हम लोग इतना तक आ ही चुके फाइनली। और उधर पे बनी भी काम किया जा रहा है और इधर पे बस कुछ ही और बाकी, उसके बाद सारी जगह कंप्लीट हो जाएगी। और अभी ये देखो वाटर का सोर्स इधर से आ रहा था तो मैंने और भी तोड़ा इधर पे। जैसे ही मैं तोड़ पानी का लहर भाई अंदर से शुरू हो जाती, तो मैंने सोचा फटाफट से इसको बंद कर दे, ना जाने फिर से मैं गलती वलती कर दूंगी। तो इसको मैंने बंद कर दिया। अभी जस्ट इधर पे मुझे थोड़ा सा बेरिकेड जैसे बनाना है तो इसको फटाफट से लगा देते, ठीक है ना। तो इधर पे ओ शिट, ये क्या हुआ भाई, ओ शिट यार। तो इधर पे पानी का सोर्स पूरा, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकती यार, नहीं 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 नहीं, ये पानी का पूरा लहर बंद हो जा रही है। नहीं यार ये मैंने क्या गलती कर दिया इधर पे, ओ शिट यार। तो मेरे एक गलती के कारण इधर के पानी का क्या पूरा लहर बंद हो जाएगी। ये भाई हम लोगों का प्लानिंग था कि ये झरने से हम लोग अपना घर बनाएंगे, वो प्लानिंग पूरा इधर पे चौपट हो गई यार। ये झरना तो पूरा, ओ भाई साहब ये भी बंद हो जा रही है। देखो 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 इधर पे आओ, ऊपर देखो बनी बहुत ज्यादा ट्राई किया जा रहा है। मैंने उससे पूछा कि कुछ सोर्स मिल रही है या फिर नहीं, उधर पे खुदाई बुदाई करके देखो शायद मिल जाए, बट वो मुझे बता रहा है कि उधर पे कोई ऐसा सोर्स नहीं है। मेरी एक गलती के कारण, मुझे पता नहीं था इतना बड़ा ग्लिच है। ओ भाई साहब इधर पे पूरा बंद हो चुका है, जो प्लानिंग था हम लोगों का वो तो इधर पे पोपट हो गया, सच बता रही हूँ। अभी बनी देखे जा रहा है मुझे और बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो चुका था वो भी, कि ये सभी मिलके इतना कष्ट करके वो जगह को ठीक किया, बट देखो कुछ भी कर रही हूँ किसी भी जगह से पानी का कोई भी सोर्स नहीं निकल रही थी। तो मुझे लगा भाई इधर पे तो अभी तो बेकार हो गई, तो मैं इधर पे एकदम गुफा पे आ जाती हूँ। आने के बाद इधर से बहुत सारे आयरन को कलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है ना, फटाफट से आयरन को कलेक्ट कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ मैंने क्या क्या किया। तो इधर पे देखो बहुत सारा आयरन का ब्लॉक था, तो मैंने इधर पे जितना भी सारा ब्लॉक था सारी जगह से, रुको एक सेकंड और एक है, तो सभी से मैंने फटाफट से आयरन को कलेक्ट कर लिया। अभी घर जाएंगे, घर जाने के बाद आप लोगों को दिखाने वाले हैं मैंने इसके बाद क्या क्या किया, ठीक है ना। तो इधर पे मैं घर पे आ जाती हूँ, फटाफट रात भी हो चुकी है, फटाफट से चलते हैं घर के अंदर। तो अभी मैं घर पे आ चुकी हूँ। आने के बाद ये देखो
इतने बड़े हो चुके हैं घर आप लोग, दिखाई था मैंने कि कितना बड़ा कर चुके हैं और इधर पे इतना सारा चेस ड्रेस सारे कुछ हम लोगों ने लगा दिया। तो अभी इधर पे जो फारनेस होती है ना उसमें आप लोगों को कोल को ऐसे दे देना है, ठीक है ना, और ऊपर आप लोगों को दे देना है आयरन को। जैसे ही आप लोग ऐसे दोगे उसके बाद आप लोगों का आयरन इग्नाइट बनना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो रुको एक सेकेंड, अभी हो जाएगी, जस्ट अभी हो ही रहा है। तो फाइनली चलो इधर पे आई थिंक हो नहीं हुआ, चलो ये देखो हो गया। आयरन से आप लोगों को मिल जाएगी आयरन इग्नॉट, ठीक है ना। तो इस आयरन इग्नॉट को मैं इधर पे तीन तीन चार चार बना लेती हूँ, हम लोगों को लगेगी तीन ही, ठीक है ना। तो अभी मैंने इसको कलेक्ट कर लिया और अभी जाएंगे हम लोग इसके बाद इधर पे जो क्राफ्टिंग टेबल है उसमें जाएंगे। और जाने के बाद इसमें मैं दे दूंगी ये बाल्टी बनाने के लिए दे दिया, ठीक है ना। ये तीन आयरन इग्नॉट को दे देना और ऐसे ही आप लोगों को बन जाएगी आयरन इग्नॉट से आपका एक बाल्टी, ठीक है ना। तो अभी इसको हमने ले लिया अपने हॉट बार पे, अभी जाने वाले हैं बाहर। जाने के बाद काम तो करेंगे, रुको एक सेकंड, बाहर बहुत ज्यादा बारिश भी हो रही है तो फटाफट से चलते हैं बाहर। और जाने के बाद हम लोगों को चाहिए एक नदी, नदी से मिलेगी हम लोगों को क्या, पानी। पानी से हम बनाने वाले हैं वाटर सोर्स को, ठीक है ना। तो फटाफट से चलते हैं, रुको एक सेकंड, ये देखो ये पानी का जगह मुझे मिल चुकी है। अभी फटाफट से नीचे चलते हैं, जाने के बाद इधर से पानी को हम उठा लेंगे, ठीक है ना। तो कलेक्ट करने के लिए हम लोगों को पानी के पास जाना पड़ेगा। मैं दिखाती हूँ कैसे मैं कलेक्ट किया पानी। इधर पे आके जस्ट आप लोगों को स्क्रीन पे जस्ट एक क्लिक करना है, ऐसे ही आप लोगों को मिल जाएगी। मैं एक बार दिखा देती हूँ, अगर इधर से मैं दे देती हूँ, देखो इधर से झरना जैसे बन चुकी है। तो इससे हम लोग बनाने वाले हैं फाउंटेन को, ठीक है ना। तो फटाफट से ऐसे कलेक्ट कर लेना, एक ही बार दबाना तो हो जाएगी कलेक्ट। और अभी चलो फटाफट से जाते हैं और जाने के बाद ऊपर चढ़ते हैं। चढ़ने के बाद हम लोग करने वाले हैं वाटर का सोर्स, ठीक है ना। तो इधर से मैंने मतलब हम लोगों ने मिलकर इधर से रास्ता बनाया था ऊपर चढ़ने के लिए, अभी तो पूरा एकदम नीचे आ गया है। बाकी जब पहले पहले चढ़ते थे ना बहुत ऊंची थी बहुत, अभी तो बहुत ठीक हो गई है। तो अभी फटाफट से आ गए हैं हम लोग इधर पे। ये भेड़िया वगैरह कहाँ से आ जाती है हमको समझ में नहीं आती। बाकी इधर पे जैसे ही मैं आके इधर पे देती हूँ, देखो फिर से एक बार दोबारा से इधर पे वाटर सोर्स स्टार्ट हो जाती है। और फाइनली बहुत ही सक्सेसफुली वैसे हम लोगों का वाटर का सोर्स स्टार्ट हो जाती है। ये लोग मेरे ऊपर जो नाराजगी था इन लोगों का वो भी अब खत्म हो जाती है। ये लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी ये जब वाटर सोर्स बंद हो गई थी, ठीक है ना। तो इन लोगों ने इतना ज्यादा मेहनत किया था ना, तो अभी अगर बंद हो जाते तो आप लोगों को भी पता है एक चीज को, आप लोग अगर बहुत दिनों से कर रहे हो, बहुत टाइम लेके कर रहे हो और अचानक से अगर वो बंद हो जाए तो कैसे महसूस होती है। तो अभी ये तो भाई हम लोगों ने सीख लिया कि अगर वाटर सोर्स को बनाना है, फाउंटेन वगैरह बनाना है, तो बहुत ही आसान तरीके से आप लोग बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी इधर पे आ जाते हैं, आने के बाद मैं देख लेती हूँ। चलो फाइनली ये हम लोगों का जैसे हम लोग चाह रहे थे बिल्कुल वैसे ही बन चुके। अभी देखो वाटर का सोर्स बिल्कुल इधर तक आ रही है। आप लोगों को अगर बनाना है तो आप लोग और भी बना सकते हो, जैसे कि मैंने इधर से सेकेंड लेयर को भी दे देती हूँ इधर पे आने के बाद, ऐसे ही बना सकते हो। फिर से मैं एक बार आ चुकी हूँ वाटर को लेके, क्योंकि मुझे बनाना है मतलब उसको ना एक डिजाइन देना है। तो मैंने सोचा इधर पे फुल्ली कवर अप कर देते, ठीक है ना। तो फटाफट से चलो पहले कवर अप कर लेते हैं, उसके बाद मैं दिखाती हूँ मैंने कैसे किया। तो इधर पे तो कर दिया और इस साइड को भी मैं पूरा कवर अप कर देती हूँ। देने के बाद एक बॉक्स जैसे बना देती हूँ, ठीक है ना, जैसे वो होता है ना छोटा छोटा चेम्बर होता है पानी का, बिल्कुल वैसे बना दिया मैंने। तो कोई गिरेगा नहीं, या फिर गिरना है तो पूरा एकदम कूद के गिरेगा, तो बहुत मजा आने वाले लाइक वाटर स्लाइड, ठीक है ना। तो इधर पे मैंने एक जगह दे दिया, अभी दो जगह बस देना है। तो फिर से मैं पानी लेकर आ जाती हूँ और इसके बाद इसमें दे देती हूँ और थर्ड जगह पे भी मैं फाइनली दे ही देती हूँ। और अभी देखो इसका कितना ज्यादा मोटा लहर बन चुका है, दिखने में भी काफी ज्यादा सही दिख रही थी। ऊपर हम लोगों का घर बस साइड से है वाटर का फाउंटेन, ठीक है ना, बहुत ज्यादा मतलब काफी ज्यादा अच्छे दिखने वाली है। तो अभी इधर पे जितने भी ज्यादा घास फूस था ना वो सारे को हम दोनों मिलकर इधर पे हटा रहे थे। मैं इधर पे हटा रही थी और बनी इधर पे ब्लॉक पे ब्लॉक, ब्लॉक पे ब्लॉक लगाई जा रही थी। तो एक साथ काम करने का एक तो फायदा हो ही जाते हैं, एक जन हटा रहे हैं एक जन लगा रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो अभी फटाफट से इधर पे जितने भी सारे ब्लॉक है ना इसको लगा देंगे और उसके बाद ये जितना भी सारा ग्रीन ग्रास है उसको, अरे भाई इधर पे कर लो, मैं जिधर पे कर रही हूँ उधर पे तुम लोगों को भी करना है भाई, उधर पे उतना जगह बाकी उधर पे करो कुछ भी। तो इधर पे मैं सारे ब्लॉक को लगा देती हूँ, साइड पे देके आप लोग बना सकते हो। और अभी देखो मैंने सीढ़ी भी कंप्लीट कर ही लिया, ठीक है ना। तो इधर तक हम लोग आ चुके हैं, अब भी देखो कितना नीचे है सीढ़ी। तो आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, आई मीन ये तो सिर्फ एक साइड है, ठीक है ना, पूरा एकदम सीढ़ी तीनों स्लाइड में है। तो अभी जस्ट एक ही साइड हुआ है, मैं जाके दिखाती हूँ। ये देखो अभी इतना बाकी है, ये वाला भी उठेगा पूरा एकदम ऊपर तक जाएगा। तो फाइनली काफी रात हो चुकी थी और तब तक हम लोगों ने काम करके पूरा जगह को पूरा कर दिया। और बनी क्यों देखो ये लोग एक परसेंट भी मदद नहीं किया मुझे सीढ़ी बनाने के टाइम, पता है आप लोगों को, मतलब इतना ज्यादा काम चोर बन गया ना ये लोग की क्या ही बता। सिर्फ ऊपर बैठ के बातें करेगा और
फालतू का मतलब ये इसको मार रहा है, वो इसको मार रहा है, यही करते रहेगा हमेशा। तो इधर पे मैंने पूरा सीरी का काम को मैंने खुद अकेले अपने हाथों से कंप्लीट किया। और अभी देखो ये सीरी देखो कितना ऊंचा मैंने बना दिया, और मतलब क्या लग रहा है, मतलब इवन में जा रहे हैं ऐसे फीलिंग आ रही है भाई, दिखती नहीं है सही से कितना ऊंचा है। तो मैं आप लोगों को एक बार ऊपर चढ़ के दिखाती हूँ। ओ भाई ये चढ़ने में थोड़ा सा दिक्कतें आ रही है, मुझे कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे भाई कूद कूद के ना, मतलब ऐसे फीलिंग ना आए कि इतना टाइम लगे, एकदम भटक से एकदम उठ जाएंगे, एकदम चढ़ जाएंगे तो मजा कुछ अलग ही होगी। तो ये सीरी काफी ज्यादा ऊंचा है, ठीक है ना, इसको बनाने में जो मेहनत लगी ना मुझे, मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत टाइम और बहुत ज्यादा मेहनत लगी थी इस पहाड़ को काट के पूरा। मैंने ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ बिठा दिया, और ऊपर में देखो पूरा प्लेन बन चुकी है, क्या पहाड़ थी और अभी क्या बन चुकी है। और इधर भी हम लोग बनाने वाले हैं अपने घर को, और उधर पे बनी अपना काम भी स्टार्ट कर दिया, डॉली भी अपना काम किए जा रहा है, अपने हिसाब से बना रहा है, सबका अलग अलग रूम होने वाला है। आज के लिए तो मैं जा रही हूँ, मिलते हूँ नेक्स्ट एपिसोड पे, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या क्या किया क्या क्या नहीं उस सारी चीजों को लेके। तब तक के लिए टाटा एंड टेक केयर।